Hello my dear students, in this video we will discuss about chapter Home Sweet Home. Now let's start the video. Why do we need a house? Hame ghar ki zarurat kyun hoti hai? A house protect us from heat, cold, rain and many other harmful situation. Ek ghar hame kiski cheezon se bachata hai? Heat matlab garmi se, cold means thand se, रेन मीन्स बारिश से एंड बहुत सारे ऐसे हार्मफुल सिचुएशन होते हैं जिससे कि हमें घर बचाता है. ओके, नाउ अ हाउस गिव्स अस कंफर्ट एंड रेस्ट. घर हमें क्या देता है? कंफर्ट देता है, रेस्ट देता है. हम आराम कहाँ करते हैं? घर के अंदर ही करते हैं ना. वी फील सेफ एंड हैप्पी इन आवर हाउस. हम अपने घर में अपने आप को सेफ महसूस करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं. ओके, टाइप्स ऑफ हाउसेज. In the previous class, you have learnt about कच्चा and पक्का house. हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कच्चा और पक्का house के बारे में. House can be grouped as temporary and permanent house. House को दो ग्रुप में बांटा गया है, temporary house और permanent house. अब चलिए देखते हैं temporary house किसे कहते हैं. Temporary houses. Temporary houses like a hut are not very strong. Temporary house like hut. जैसे झोपड़ी, ये क्या होती है? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है. दे आर चीप एंड ईजी टू बिल्ड. ये बहुत ही ज़्यादा ईजिली और सस्ते में बन जाती है. दे कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और इसे हम एक जगह से निकाल के दूसरे जगह ईजिली बना सकते हैं. थिंग्स, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं बनाने में देखेंगे. थिंग्स यूज टू मेक अ टेम्पररी हाउस आर मेनली मड, बैम्बू, स्ट्रॉ, कैनवास एंड वुड. क्या क्या यूज़ होता है? मड मतलब गीली मिट्टी, बैम्बू, बांस, स्ट्रॉ मतलब तिनके उनके और ये सारी चीज़ें, इनसे ही ये कच्चा हाउस बनता है. ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्प्रोरी हाउसेज आर. अलग अलग टाइप के टेम्प्रोरी हाउसेज कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं. टेंट. अ टेंट इज मेड ऑफ कैनवास क्लोथ. टेंट आप इस पिक्चर में देख रहे हो, टेंट ये किस कौन से क्लोथ से बनता है? कैनवास क्लोथ से बनता है. इट इज़ यूज बाय कैंपर्स एंड सोल्डर्स. इनका यूज़ कौन करते हैं? कैंपर्स और सोल्डर्स करते हैं. मीन्स ऐसे आप देखे होंगे कहीं पे फेयर लगता है, मतलब मेला वेला लगता है, वहाँ पे जो आते हैं लोग तो उनके पास तो घर नहीं होता है, पर वो कैसे रहते हैं? टेंट हाउस लगाते हैं और वहाँ रहते हैं. ओके, नाउ कारावैन. अ कारावैन इज अ हाउस ऑन व्हील्स. कारावैन क्या होता है? हाउस होता है जो कि किस पे होता है? चक्कों पे होता है. ठीक है, इट इज़ ड्राइवन बाय एनिमल और बाय एन इंजन. या तो ये एनिमल के द्वारा चलाया जाता है, नहीं तो ये इंजन के द्वारा चलाया जाता है. जिप्सीज एंड पीपल हु वर्क इन द सर्कस लिव इन कारावैन. जिप्सीज और पीपल जो लोग भी सर्कस में काम करते हैं तो वो कहाँ रहते हैं? कारावैन में रहते हैं. ओके, हाउस बोट. अ हाउस बोट इज़ अ हाउस ऑन अ बोट. हाउस बोट क्या होता है कि हाउस जो है वो किसके अंदर ही रहता है? बोट के अंदर ही रहता है. इट फ्लोट्स ऑन वाटर. ये पानी के ऊपर ही तैरता है, ऐसा घर होता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड शिकाराज. और इसे क्या कहते हैं हम? शिकारा भी कहते हैं. दे आर सीन इन कश्मीर एंड केरला. और ये शिकारा हमें कहाँ ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है? कश्मीर एंड केरला में. अंडरस्टैंड? अब देखिए कारावैन को और क्या कहते हैं, मेल्टिंग आइस में है. इन अमेरिका अ कारावैन इज कॉल्ड अ मोटर होम. कारावैन अमेरिका में कारावैन को क्या बोलते हैं हम? मोटर होम. नाउ इग्लू. इट इज़ अ हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस. ये ऐसा हाउस होता है जो कि किससे बनता है? ब्लॉक्स, आइस के ब्लॉक से बनाया जाता है. इट इज़ फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस वेयर इट स्नोज. जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बहुत ठंडी जगह होती है, वहाँ पे ही हमें इग्लूज देखने के लिए मिलते हैं और वहाँ पे ही बनते हैं. ओके, स्कीमोज लिव इन इग्लूज. स्कीमोज कहाँ रहते हैं? इग्लूज के अंदर रहते हैं. ओके, अ स्लिट हाउस इज अ पक्का हाउस. स्लिट हाउस क्या होता है? पक्का हाउस होता है दैट स्टैंड ऑन बैम्बू पिलर्स. जो कि किससे होता है? बैम्बू पिलर पे स्टैंड होता है. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कैसे ये हाउस ऊपर की तरफ बना हुआ है और इसके साइड में जो लगे हुए ये क्या है? बैम्बूज लगे हुए हैं.
इट इज़ मेड इन एरिया दैट रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल. ये ऐसे एरिया में बनाया जाता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होता है. तो रेनफॉल होने की वजह से ग्राउंड में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पे क्या होगा, वाटर फिल हो जाएगा, तो हमारे घरों में पानी घुसने लगेगा. इस वजह से लोग बैम्बू के हेल्प से हाउस को थोड़े ऊपर बनाते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. Now, permanent houses. Permanent houses are very strong house. Permanent house क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा strong house होता है. They are more expensive to build than a temporary house. ये बहुत ही ज़्यादा expensive होता है temporary house के according. ठीक है, they cannot be moved from one place to another. इसको हम move भी नहीं कर सकते, एक जगह से हटा के दूसरी जगह move ही नहीं कर सकते. थिंग्स यूज टू मेक अ परमानेंट हाउस आर, क्या क्या चीज़ें परमानेंट हाउस बनाने के लिए चाहिए, चलिए देखते. ब्रिक्स, ब्रिक्स मीन्स ईंट चाहिए हमें, सीमेंट चाहिए, आयरन रॉड मतलब लोहे के मोटे मोटे छड़ चाहिए, आयरन नील्स चाहिए मतलब कील जिसको बोलते हैं, स्टील, ग्लास, वुड, पेंट, ईटीसी. ये सारी चीज़ें हमें क्या चाहिए, परमानेंट हाउस बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है. इन प्लेसेस वेयर इट स्नो And rain heavily, the houses have slopy roof. जहाँ पे बहुत ज़्यादा rainfall होती है या snowfall होती है वहाँ पे कैसी roof बनती है, slopy roof बनती है. आप इस picture में देख सकते हैं, इसकी roof देखो कैसे है, बिल्कुल ऐसी नहीं है, slanting है दोनों side से, ऐसे joint है और slanting है, ताकि बारिश आए, जितनी भी बारिश आए, जितना भी snowfall हो, वो स्लाइड करके नीचे चला जाए. ठीक है, अंडरस्टैंड. बैंगलो, अब बैंगलो इज़ अ बिग हाउस. बैंगलो बहुत ही बड़ा हाउस होता है विथ मैनी रूम्स एंड गार्डन इन द फ्रंट. उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं और घर के आगे क्या होता है, एक बड़ा सा गार्डन होता है. फ्लैट्स, अ फ्लैट और एन अपार्टमेंट इज़ अ हाउस इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, मल्टी स्टोरी मतलब 4-5 तल्ले 6 तल्ले की ऐसी बिल्डिंग होगी, उसके अंदर छोटे छोटे फ्लैट्स बने होते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, फ्लैट्स. वेरी टॉल बिल्डिंग्स दैट सीम्स टू टच द स्काई आर कॉल्ड स्काई क्रीपर्स. बहुत ही ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऊंची, उसको देखते ही ऐसा लग रहा हो कि वो जैसे स्काई में टच हो रही है, तो वैसी बिल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं, स्काई क्रीपर्स. और ये ज़्यादातर हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है, मेट्रो सिटी में मिलती हैं ज़्यादातर ये देखने में, क्योंकि वहाँ पे देखो पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है और लैंड भी उतना नहीं है, तो इसलिए वैसे वैसे स्काई क्रीपर्स बनाए जाते हैं ताकि लोग वहाँ पे आराम से इजिली रहते भी हैं. अंडरस्टैंड. मेकर्स ऑफ अ हाउस, कौन कौन किनकी हेल्प से हमें घर बना सकते हैं. मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ हाउस, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर के एक हाउस बनाते हैं. एन आर्किटेक्ट ड्रॉज अ प्लान फॉर द हाउस, एक आर्किटेक्ट क्या करता है, ड्रॉ करता है, ठीक है, हाउस का प्लान. ओके, अ मैशन इज अ पर्सन हु लेज ब्रिक्स एंड सीमेंट फॉर द हाउस. मैशन ऐसा पर्सन है जो कि ईंटों को जोड़ने का काम, सीमेंट को मिलाने का काम, हमारी वॉल्स को और रूफ को कौन बनाता है, मैशन ही बनाता है. अंडरस्टैंड. दे बिल्ड द वॉल्स एंड द रूफ. वॉल्स मीन्स दीवार को बनाता है और रूफ इट मीन्स कि घर की छत को भी यही बनाता है. कौन बनाता है, मैशन. अ प्लम्बर फिट्स वाटर पाइप्स, वाटर टैंक्स एंड टैप्स इन द हाउसेस. हमारे घर में इतनी ईजिली टैप में वाटर आ जाता है, कैसे आ जाता है, ये कैसे पॉसिबल है, ये सिर्फ प्लम्बर की हेल्प से ही पॉसिबल है. वो हमारे लिए घर में पाइप्स की फिटिंग करते हैं, टैंक्स लगाते हैं, दैट्स वाई हमें वाटर ईजिली अवेलेबल हो जाता है. नाउ अब इलेक्ट्रिशियन के बारे में देखते हैं. एन इलेक्ट्रिशियन लेज इलेक्ट्रिक वायर्स एंड फिक्सेस स्विचेस फॉर लाइट बल्ब्स फैन ईटीसी. इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी वायर्स को फिक्स करता है, स्विचेस को फिक्स करता है, लाइट लगाता है, बल्ब्स लगाता है, फैंस लगाता है. ठीक है. अ कारपेंटर मेक्स डोर विंडोज एंड कबर्ड्स फ्रॉम वुड. कारपेंटर क्या करता है, घर में डोर्स जो बनते हैं हमारे लकड़ियों के, और या विंडोज़ बनते हैं या कबर्ड्स बनते हैं, अलमारियाँ बनती हैं, ये सब कौन बनाता है, कारपेंटर की हेल्प से ही बन पाता है. अंडरस्टैंड. अ पेंटर पेंट्स द हाउस एंड मेक इट लुक नीट. पेंटर ही पेंट करता है लास्ट में, घर को एकदम अच्छे से डेकोरेट करता है जिससे कि नीट एंड क्लीन दिखता है और घर बहुत ही सुंदर दिखता है. किसकी हेल्प से, वो पेंटर की हेल्प से. ऑल दीज
पीपल वर्क हार्ड फॉर सेवरल मंथ टू बिल्ड अ हाउस, ये सारे लोग मिलकर के एक साथ काम करते हैं कुछ महीनों तक ताकि हमारा घर अच्छे से बन सके. ओके नाउ अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे. एन इग्लू इज मेड अप मेड ऑफ, देखो इसका आंसर पहले मैं बताऊं आपको. एन इग्लू इज मेड अप ऑफ आइस. ओके हाउस बोट्स कैन बी सीन इन कश्मीर. इन प्लेस वेयर इट रेन्स हैविली द हाउसेज आर मेड ऑन स्लिट्स. जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ हाउसेज कैसे बनाए जाते हैं, स्लिट्स बताया ना बैम्बू पे स्टैंड करके. ओके अ हाउस ऑन व्हील इज कॉल्ड अ एन कारावैन. ओके अब देखो यहाँ यस और नो में बच्चों आंसर देना है. अ प्लम्बर फिक्सेस स्विचेस, नो. अ बैंगलो इज अ टेम्प्रोरी हाउस, नो. इसके आंसर बाद में दिए, मैं अभी बता दे रही हूँ, आगे मैंने कॉपी में लिख रखा है. इन प्लेस वेयर इट रेन्स हैविली हाउसेज हैव स्लोपी रूफ, यस. एन आर्किटेक्ट मेक्स अ प्लान फॉर अ हाउस, यस. ओके फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे. डैश मेक्स वुडन डोर्स एंड विंडोज, कौन बनाता है, कारपेंटर, अंडरस्टैंड. अ डैश लेज ब्रिक्स टू बिल्ड हाउसेज, कौन ब्रिक्स को ले जाता है, मैशन. एंड लीव्स इन अ इग्लू, कौन रहता है, स्कीमोज रहते हैं. अ डैश हाउस इज यूज बाई कैंपर्स, कौन से हाउसेज यूज किए जाते हैं कैंपर्स के द्वारा, टेंट हाउस. नाउ इसके आंसर देखिए इधर शीट पे दे रखी है. ये इनके भी आंसर उधर शीट पे दे रखे. व्हाई डू वी नीड अ हाउस, व्हाट इज टेम्प्रोरी हाउस, व्हाट इज कारावैन, नेम फॉर मटेरियल्स यूज टू मेक अ परमानेंट हाउस. आंसर देखिए इनके आंसर हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर हो गए, टिक द करेक्ट आंसर के हो गए. ओके अब क्वेश्चन आंसर है. व्हाई डू वी नीड अ हाउस, इसका आंसर अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एंड मैनी अदर हार्मफुल सिचुएशन. ओके एंड नाउ टेम्प्रोरी हाउस, अ टेम्प्रोरी हाउस इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर चीप एंड ईजी टू बिल्ड. एग्जाम्पल में क्या था, हर्ट. अ कारावैन इज अ हाउस ऑन व्हील्स, इट इज ड्राइवन बाय एनिमल्स और बाय एन इंजन. फोर मटेरियल्स क्या क्या यूज होती हैं परमानेंट हाउस में, देखिए ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन रॉड्स, ग्लासेस. ओके एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज. ओके बाय बाय.